हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी गैलरी की सेटिंग्स के बारे में जो हमें Redmi Note 5 Pro के अंदर मिलती हैं। तो अगर आपको गैलरी के अंदर कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी हो तो आप किस तरीके से गैलरी की सेटिंग्स ढूंढेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और उन सेटिंग्स के बारे में बताऊँगा कि कैसे कैसे वे वर्क करती हैं। कुछ सेटिंग्स के बारे में बताऊँगा, कुछ सेटिंग्स को छोड़ दूँगा क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी फिर, तो इस वजह से मैं यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे जाना होगा। नीचे यहाँ पर मिलते हैं आपको सिस्टम ऐप्स, तो सिस्टम ऐप्स को खोल लेना होगा आपको। सिस्टम ऐप्स को जैसे ही खोलेंगे तो आप थोड़ी नीचे जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगी आपको गैलरी। गैलरी को जैसे ही आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग्स दिख जाएंगी। अब ज़्यादा तो है नहीं, यहाँ पर 4-5 सेटिंग्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ये वाली क्लाउड्स वाली हो गई। आप बैकअप ऑटोमेटिकली आप लेना चाहें तो कर सकते हैं क्लिक करके अपने इस पर आईडी बना के माई क्लाउड पर, तो आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर शो इनविजिबल फाइल, कुछ फाइल्स इनविजिबल होती है उनको शो करवाने के लिए भी ये वाला बटन ज़रूरी होता है। और यहाँ पर ये वाली सेटिंग्स जो है बहुत काम किया है, शो इच साइट फोर। तो ये क्या है, जैसे कि आप किसी वीडियो को खोलते हैं और उसके बीचों बीच क्लिक मार देते हैं तो उसके नीचे बराबर बराबर में आपको आइकन दिखते होंगे, तो वो कितनी देर तक रहेंगे, 5 मिनट 1 मिनट तक आप इसको रख सकते हैं और बाकी आप यहाँ पर खुद मैनेज कर सकते हैं जितनी भी चीज़ आप कर सकें। उसके बाद यहाँ पर ट्रिप पिन ब्राउज़र को होती है और यहाँ पर इसकी सबसे एंड में मिल जाती है प्राइवेसी पॉलिसी। बाकी फ़िलहाल तो यहाँ पर इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जो सेटिंग्स है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं कि क्या क्या है, किस तरीके से वर्क करती हैं। और अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।